हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम का टाइम हो रहा है एंड मैं यहां पे बना रही हूं साबूदाने की खीर। पीहू को आज स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा है साबूदाने की खीर ही दूंगी, तो पीहू और मैंने उसको दे दिया है फ्रूट्स। वो फ्रूट्स इंजॉय कर रही है, जिसमें कि सीताफल दिया था मैंने उसको खाने के लिए, यानी कि कस्टर्ड एप्पल। एंड यहाँ पर मैं अपने बर्तन जो है वो सब रख रही हूँ। सुबह के बाद यही टाइम होता है जब मैं बर्तन सेट करती हूँ, और पहले भी इसी टाइम रखती थी, तो बस वही सब यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए पीहू आई है डस्टबिन में डालने के लिए। तो आज का व्लॉग भी 2-3 दिन का ही होने वाला है, क्योंकि बच्चों को मेरे हो गया है जुखाम एंड कोल्ड, खांसी बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ साबूदाने की खीर, क्योंकि पीहू को मैं दूध नहीं दे रही हूँ पीने के लिए डायरेक्टली, क्योंकि उसको कफ हो रहा है। इसीलिए कभी कभी देती हूँ एक कप, तो केवल हल्दी डाल करके दे देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ दूध नहीं पी रही है तो उसको किसी फॉर्म में तो दे ही दिया जाए, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए साबूदाने की खीर बनाई है। और आज मैं बनाऊंगी विक्स, होममेड विक्स, तो वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। तो यहाँ मेरी खीर जो है वो बन चुकी है। तो विक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है। आपके पास अगर घर का घी है तो वही लीजिएगा, मेरे पास आज घर का घी नहीं था, बनाना है मुझे एक्चुअली घी, बट मुझे अर्जेंट बेस में ज़रूरत था, अर्जेंट बेसिस पे विक्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और इस विक्स की रेसिपी को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, सो इसलिए थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वरना इस वीडियो से भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी में 5 टिक्की जो है वो कपूर डाल दिया है। अगर आपकी छोटी टिक्की है तो आप 6-7 टिक्की भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया ना, घी को चढ़ा दिया है, जब वो गर्म हो जाएगा, देखिए धुआं उठ रहा है, तो यहाँ पर मैंने ये कपूर लिया है और मैंने वो कपूर की जो गोली है वो डाल दिया है उसके ऊपर। बट गैस आपको बंद करके ही कपूर डालना है, वरना तो उसमें बहुत तेज़ से आग लग जाएगी और इससे आप हर्ट भी हो सकते हैं। सो ये देखिए मैंने गैस जो है वो बंद कर दिया है, नीचे उतार लिया है, और अब ये जो कपूर है वो पिघल, मतलब इसमें घुल रहा है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको एक कंटेनर में भर लेंगे, और जब ये भर, मतलब इतना ठंडा हो जाए कि आप भर लीजिए, भरने के बाद जब ये एकदम से ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये इस तरह से जम जाएगा बिल्कुल विक्स की तरह, और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल विक्स की तरह ही आएगी। बस आप अपना होममेड वाला ही घी, काऊ वाला घी लीजिएगा तो वो और अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर शाम के टाइम मैं बनाने लग गई थी घी, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे घी बनाना ही था, बट विक्स मुझे उसी समय ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने फटाफट से विक्स बना लिया है। और यहाँ पे घी मैंने चढ़ा दिया है बनने के लिए। सारे स्पेलिंग्स एक बार इसको व्हाइट बोर्ड में भी लिख लो बेटू, जैसे लिखती हो ना आप, वैसे एक बार कर लो, बस फिर मेरे को सुना देना। ऐसे मत करो भैया, कल आपका टेस्ट है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओनली वन टाइम रीड कर लो। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। खाना जो है वो बन गया है। अच्छा, सुबह आती हैं कुक आंटी, आती हैं सुबह खाना बनाने के लिए, बट शाम को थोड़ा बहुत मैं बनाती हूँ एंड थोड़ा बहुत मैं उनसे हेल्प करवा लेती हूँ, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी बनवा लेती हूँ तो उसको गरम कर लिया, फिर दाल बना करके सिर्फ सीटी लगानी होती है एंड छौंक दिया, इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ घी, शाम का टाइम है, चलो दिया जला देते हैं। तो मैं जा रही हूँ आज पूरन पोली बनाने साथ में भारती दीदी के, भारती दीदी मुझे बताती जाएंगी। और जो कुक आंटी हैं उन्होंने बोला है कि पूरन तैयार करके रख लेना, क्यों भर दे दी, पूरन तैयार करके रखे, कोली वो बनाएंगी कल। तो पूरन के लिए सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे दाल लेकर के उसको पानी से धो करके 8-10 सीटी लगा लिए, जिससे कि वो एकदम सॉफ्ट हो गई है, एकदम सॉफ्ट है। और यहाँ पे लिया है गुड़, 1.5 गुड़ लिया है। अभी दाल दिखाती हूँ कितनी दाल के लिए, इलायची चाहिए, दालचीनी चाहिए, और एक नहीं, दालचीनी नहीं, जायफल चाहिए, वो
इसमें पड़ेगा, इसके पूरा में। और क्या पड़ता है भारती जी? बस इसमें, बस इतना ही डलेगा। इसको हटाने का, हटाने का एकदम। अच्छा, एकदम इसको महीन चलाते, मतलब मैश करना है दाल को। ये जो दाल है अभी दिखाती हूँ मैं, पूरन जो होता है, हाँ, सूखा हुआ दाल एकदम पाउडर जैसे बन जाएगा, पाउडर जैसा बन जाएगा। तो पूरन पोली बनाते हैं, मेरा बहुत दिन से मन हो रहा है, ये खिलाती है मुझे भारती दीदी, पर आज बनाते भी है। ये है दाल, एकदम सॉफ्ट गली हुई है, इसका पानी जो है ड्रेन कर दिया गया है। ना ना, क्या बोलते हैं उसको, गैस ऑन करके ये गुड़ इसमें डालने का है, ऐसे करके। मेरे एक हाथ में फोन है, हाँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा जायफल जो है वो ग्रेट करके डाल दे रही हूँ, थोड़ा ही डाला है। और अभी ये भी डाले, चार इलायची लिए, ज्यादा इलायची है नहीं, खत्म हो रही है। घोटते रहना है, ऐसे ऐसे दबा दबा, देखो कैसे बता रही है, पतला हो जाएगा। हाँ हाँ, सही जरा ऐसा ऐसा करती, तुम हलाती है ऐसा, सब्जी थोड़ी हल्ला निकल, ये दाल भून के साथ हल्ला निकल। अच्छा, लगना नहीं चाहिए। अरे मेरे पास मैशर है, उससे हो जाएगा क्या? चुप, मैशर से नहीं। क्यों? मैशर रहते तो सब लोग मैशर ही यूज करते थे, करके तो देखो शायद हो जाए, जिससे भाजी मैश करते हैं। इस तरह से घिस घिस के सारा नीचे वो निकल जाएगा, और जितने दाने होंगे वो ऊपर ही आ जाएंगे ना। इसको भी करेंगे बराबर, इसीलिए घुसने को बोला था ऐसा समझे। देखे कितना निकला, ये देखो इस तरह से। अभी आराम से भरा जाएगा, फटेगा नहीं ना, इसीलिए नहीं तो फटेगी फिर। ऐसे एक एक दाना जो है वो महीन हो गया, मेहनत बहुत है भाई पूरन पोली बनाने खाने में। इसीलिए मुर्गी ना, बीच में ईरा उठ गई, अभी देखो गोद में आ गई है। अभी हमारी भारती दीदी इसको मैश कर देगा। ये देखो, ये इसका है भी, क्या है ये? ये तुमने डाला है क्या? जायफल। अच्छा अच्छा, पाउडर चाहिए ना। हाँ, हाँ, मैंने घिस करके डाला। हाँ, उसको पाउडर चाहिए, इसीलिए। तो ये हमारा पूरन जो है बनके तैयार हो गया है, इसको हमने रख लिया है ये इस डिब्बे पे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको बंद करके फ्रिज में रख देंगे, और फिर कल इसकी पोली बनेगी। पूरन हो जाएगा वो पूरन पोली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अब जस्ट मैं जा रही हूँ अपना वीडियो एडिट करने। कल आपने देखा, ये नेक्स्ट डे हो चुका है, कल आपने देखा पूरन बन गया था, तो मैंने उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। पूरन बनाने के लिए पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आज मैं इसके आगे आपको पोली बना करके दिखवाऊंगी, जो कुक आंटी हैं उन्होंने पोली बनाया, क्योंकि पूरन बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने कहा कि भारती दीदी की हेल्प से तुम पूरन तैयार कर लेना, उनको भी आता था, इसीलिए फिर मैंने वो बनवा लिया। और पोली अब बना देंगी कुक आंटी, तो वो सुबह मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो सुबह आती हैं 7 से 8 लंच बनाने के लिए। तो बन गया है, और मैंने सिर्फ 4 पोली बनवाई हैं, वर्मा जी खा के चले गए हैं। चलो अब आप देख लो कि आपको पोली कैसे बनाई जाती है, वो मैं इसके आगे ऐड कर देती हूँ क्लिप। इसमें आटा कम रहता है, भर ज़्यादा, पूरन ज़्यादा, पूरन।
ये जल जाती है, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर, बस आपको इतना ही चाहिए। पूरन कभी भी ज्यादा रखना। और बाकी ये और बड़ी भी बन सकती है ना? हाँ, और हम लोग को और बड़ी घुमाते हैं ना। अच्छा, तो वो जब बड़ी बनेगी तो और पतली हो जाएगी। हाँ। अच्छा, तो आपकी बड़ी बना के देखिएगा, हम खा लेंगे उसको। ये देखो और बड़ी। हाँ बस ना। हाँ ठीक है, बस मस्त एकदम। क्या आप सही बेल भी रहे हैं। बड़ा अच्छा बनता है। और मैं ऊपर से भी घी लगाती हूँ। हाँ हाँ, खाने के टाइम पे। अब बनाई के भरती मतलब वही बनाई। हाँ। मैं थोड़ा उनकी हेल्प कर रही थी, घिसा उन्होंने ही। वो फ्राई आपने किया? फ्राई मैंने किया। अब आ गया ना। हाँ। मैं उनको बोल रही हूँ कि एक चीज वो और बोली थी, बोली नहीं नहीं दो ही चीज पड़ती है। फोन करने का था ना। हाँ वही गलती कर दी है, नहीं तो सोट भी थोड़ा पड़ जाता था मेरे पास। चलो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तभी। तो देखा आपने कितना बढ़िया स्टाइल से पूरन पोली बन गया। थोड़ा सा ट्रिकी तो है, बट खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किस किस को पूरन पोली खाना अच्छा है, अच्छा लगता है। ईरा जो है वो सो रही है, और जो दाल थी वो मैं अभी व्लॉग एडिट करी तो मैंने देखा, मैंने दाल बताया नहीं कि कौन सी दाल है, तो वो चने की दाल थी, और चने की दाल से ही बनता है ये, तो प्रोटीन सोर्स भी काफ़ी अच्छा है। तो वर्मा जी को भी बहुत पसंद आया, उन्होंने खाया। चलो अब इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ कल अच्छे से, इंटरेस्टिंग से। कल तो नहीं मिलूँगी क्योंकि कल है हॉलीडे, सो कल नहीं मिल पाऊँगी आपसे, मिलूँगी नेक्स्ट डे में। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय एंड टेक केयर।